I'm Serge. I'm good for those. ओके ये लड़की के पापा और ये लड़की के भाई दिखाया है। ये किट भी हमारी और ये रहे हमारे जीजा जी। भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए गड़िया, आगे बढ़ा के रोक दीजिए। फिर मिलेंगे कभी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हम निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ, गोरखपुर से अपने घर पहुंचने वाले हैं। गोरखपुर से दिल्ली का रास्ता करीबन 12 घंटे के लिए 12 घंटा है। चलो चलते हैं फिर साथ। सेकेंड टोल गेट जो जिसका नॉर्मल कार के लिए, फोर व्हीलर के लिए 45 रुपीज़ है। और हम निकल पड़े दिल्ली की तरफ। दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या कुछ ही देरी में। अभी गंगा जी को क्रॉस कर रहे हैं। चाय अड्डे के लिए वो सुबह निकले हुए हैं, चाय पीने का मौका नहीं मिला तो चाय अड्डे के लिए थोड़ा निकले हैं। मन्नत दरबार ये हमारा ड्राइवर बैठ गया है चाय पीने के लिए एकदम रेडी। मुझे चलाने को गाड़ी मैं 2 घंटे में पहुंचा दूंगी दिल्ली। मशीन में गड़बड़ लग रही है, स्लो ही रेड कर रहा है फर्स्ट टाइम। ये
पहुंच गए हैं लखनऊ। आप मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हो। अभी तक हमने आगरा एक्सप्रेसवे में पहुंचे नहीं पाए, अभी पहुंचने में थोड़ी दूर और है। चलो फिर से चलते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तक। जा रही है ऊपर से लखनऊ की मेट्रो। प्रॉपर सिटी के अंदर अंदर से हम क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। सो फाइनली वी रीच्ड एक्सप्रेसवे। अभी इस रास्ते में चलाने गाड़ी ड्राइव करने में इतना मज़ा आता है, आप ऑल्सो इन्जॉय करो एक्सप्रेसवे का। अभी हम पहुंचने वाले हैं टोल गेट, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का फर्स्ट टोल गेट। एक्सप्रेसवे के बीच में एक पैच आता है जहाँ पे ये फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बंदोबस्त किया गया है। ये जगह थोड़ा अलग ही दिखता है, बीच में डिवाइडर नहीं होते हैं ताकि पूरा का पूरा फ्लाइट यहाँ पे लैंड कर पाए। ये मैंने सुना था, अभी कंफर्म नहीं है। अभी हम रुक गए हैं थोड़े देर के लिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। यहाँ पे रेस्टरूम, लखनऊ से आगरा तक रेस्टरूम ज़्यादा है नहीं, खाने वाने पीने का जगह ज़्यादा है नहीं, बस एक ही रेस्टरूम मिला था, वहाँ बहुत भीड़ थी तो हम वहाँ पे रुके नहीं। अभी आगरा के रास्ते में, आगरा से दिल्ली के रास्ते एक्सप्रेस वे में, वहाँ पर ही मिलेगी नेक्स्ट हमारी रेस्टरूम। तो रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है, लेकिन बोरिंग है। मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए सच इंटरेस्टिंग रोड नहीं है, बहुत ही सही रोड है लेकिन थोड़ा बोरिंग है। बाकी तो सब कुछ सही है, रास्ता तो एज यूजुअल एक्सप्रेस वे बहुत ही सुंदर रास्ता है, कोई कहीं पे भी कुछ ऐसा ब्लॉकेज आपको नहीं मिलेगी। तो अभी हमारी कार हो रही है क्लीन, ये है हमारी ड्राइवर जो विंडशील्ड क्लीन करने में लगा हुआ है ताकि वीडियोस अच्छे आए। मेरे वाले साइड का भी ये पोज देना ना। मल्टी टैलेंटेड लड़का है, ड्राइव भी कर लेता है, क्लीन व्लीन भी कर लेता है गाड़ी। ये देखो हेडलाइट्स भी क्लीन किया जा रहा है। पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ जा रही हो वही तुम्हारा स्वर्ग है। Now here ends the Agra Lucknow Expressway. तो पहले जब हम टोल रोड स्टार्ट हुआ था तब हमारे पैसे डिडक्ट नहीं होते, यहाँ पे टोल रोड एंड होने पर एग्जिट पे एक्चुअली पैसे डिडक्ट होते हैं।
लखनऊ एक्सप्रेस वे एंड यमुना एक्सप्रेस वे ज्वाइन करता है आगरा इनर रिंग रोड कहते हैं इस रोड को. इसका टोल पहले तो कैश था लेकिन शायद अभी फर्स्ट टाइम बना दिया है, देखते हैं. क्या हो गया मैडम, ब्लैकलिस्ट दिखा रहा है क्यों? पैसा तो है 1900 रुपये. पहुँच गए हैं यमुना एक्सप्रेस का एग्जिट टोल पे. यहाँ पे एक्चुअली जो हमारा अमाउंट है वो डिडक्ट होता है. शाम होने को है, अभी भी घर पहुँचने में 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है. फाइनली हम पहुंच गए अपने घर. थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आ रही है. 2 महीने के बाद भी पता नहीं घर का क्या हालत होगी, बट इट्स आवर होम, स्वीट होम. ये देखो फाइनली हमारा हुआ गाड़ी से लगेज अनलोड. 2 महीने का लगेज, 3 मैरिज, सब लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम नए शिफ्ट हो रहे हैं अपने घर में. फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर, होम स्वीट होम. अब देख ही सकते हो क्या हालत है घर की. 2 महीने के बाद हम लौट रहे हैं अपने घर. इसको फिर से पूरा सजाना है, फिर से क्लीन करना है, तो हो जाएंगे कल से बिजी. आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. सी यू टुमारो, बाय बाय.